नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टॉप अर्निंग टिप्स। मैं हूं आपके साथ धर्मवीर सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसका उपयोग सभी घरों में होता है। कोई ऐसा घर नहीं जहां पे इनका इस्तेमाल नहीं होता। तो आप इस बिजनेस को करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस बिजनेस की खासियत ये है कि इसको कोई भी पुरुष, महिला, कोई भी इसको बड़े आसानी से कर सकता है और अपने घर पे बैठ के ही कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा लागत लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। कम इन्वेस्टमेंट यानी कि लो लागत में भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सभी की ज़रूरत है। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें। आइए अब जानते हैं पहले इसमें लगने वाली मशीन के बारे में। वेलकम टू एस के इंजीनियर गाइस, मैं आपके लिए एक नया मशीन लाया हूँ। ये आपका करीब 60,000 से स्टार्टिंग है इसका। ये करीब आपका मसाला ग्राइंडर है। देखिएगा गाइस, इसमें आपका मल्टीपर्पज है। इसमें आप जो है, इसमें आपका हल्दी, बेसन, धनिया, ये सब आपका ग्राइंड हो जाता है। इसके अलावा आप इसमें धान भी कूट सकते हैं गाइस। और ये आपका सिंगल फेस पे रहता है। ये आपका मल्टीपर्पज मशीन रहता है। ये आपका 60,000 से स्टार्टिंग रहता है इस मशीन का। यहाँ से आप हल्दी, मिर्चे, धनिया, आटा वगैरह जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये दूसरा बैक साइड आता है, यहाँ से आपका जो है धान कूट जाता है। इसमें करीब सबका प्रोडक्शन अलग अलग रहता है। जैसा मसाला वगैरह, सब मसाले का, ग्राइंडर का, सबका प्रोडक्शन अलग अलग रहता है। हल्दी का, धनिए का, मिर्चों का, सबका प्रोडक्शन अलग रहता है। ये आपका मल्टीपर्पज रहता है। ये आपका सिंगल फेस पे चल जाता है। ये घर से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसे लगाकर अपना बिजनेस। मशीन के बारे में तो आप जान चुके हैं कि ये मशीन मल्टीपर्पज मशीन है। इस मशीन से कई सारे काम किए जा सकते हैं। मसाले बनाने के अलावा इससे आप धान भी कूट सकते हैं। तो हमें तो यहाँ मसालों का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें जो रॉ मटेरियल में मसाले यूज़ करने हैं वो मसाले हमको कहाँ मिलेंगे, किस स्टेट में कौन सा मसाला आपको सस्ता मिलेगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे बात करें आपको हल्दी, हल्दी अगर चाहिए तो ये आपको उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, बिहार, मेघालय, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा सस्ती मिलेगी। इसके अलावा चाहते हैं कि आपको काली मिर्च, तो काली मिर्च का अधिकांश उत्पादन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में किया जाता है। इलायची की बात करें तो इलायची का उत्पादन सिक्किम और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अदरक केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मिर्च की बात करें तो आपको सस्ती मिर्च कहाँ से मिलेगी, तो मिर्च का अधिकांश उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है। धनिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और राजस्थान में इसका उत्पादन किया जाता है। जीरा भी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा ही उत्पादित किया जाता है। सौंफ की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ही इसका उत्पादन किया जाता है। अजवाइन की बात करें तो ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब में होती है। लौंग की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इसका उत्पादन होता है। मेथी का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में होता है। जायफल और जावित्री की बात करें तो ये केरल, तमिलनाडु और में होता है। दालचीनी की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में ये भी उसका उत्पादन करते हैं। केसर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। वनीला तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। अजवाइन जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। लहसुन की बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। सोयाबीन के जो बीज होते हैं उनका उत्पादन गुजरात और राजस्थान में किया जाता है। कोकम की बात करें तो यह कर्नाटक में पैदा होती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेजपत्ता की सबसे अधिक पैदावार होती है। अनार के बीज महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हर्बल और विदेशी मसाले आपको चाहिए तो वो तमिलनाडु में आपको मिलेंगे। कैम्बोज केरल और कर्नाटक में होती है। तो आपको यहाँ से सस्ते मसाले लेके आने हैं और काम करना है इनको ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग करके आप इनकी पैकिंग करेंगे 50 ग्राम से लेकर के आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम की पैकिंग में कर सकते हैं या इससे बड़ी पैकिंग भी कर सकते हैं। इस मशीन को चलाने के लिए सिंगल फेज बिजली की आवश्यकता होती है। तो इन मसालों को पैक करके आप अपने आसपास की दुकानों में दे सकते हैं बड़े आराम से।
आप अपने नाम की पॉलीथीन वगैरह छपवा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, जिनमें पैक करके आप थोक दुकानदारों को दे दीजिए। थोड़ा कम कीमत में देंगे तो आपका माल बड़ी आसानी से बिक जाएगा और क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आपको बेचने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ग्राइंडिंग मशीन के अलावा आपको लेनी पड़ेगी एक सीलिंग मशीन, यानी कि जिससे हमें अपना माल पैक करना पड़ेगा। इस तरह से आप सीलिंग मशीन की सहायता से अपना माल पैक कर सकते हैं और उसको मार्केट में पहुंचा सकते हैं बिक्री के लिए। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।